प्रकृति हमारे आसपास का वातावरण जो हर पल हमारा पालन पोषण करती है। पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, हवा, नदी, तालाब, मौसम, पहाड़ और रेगिस्तान आदि कई रूपों में हमारे आसपास मौजूद कुदरत का हर स्वरूप बेहद शक्तिशाली है, जो हमारा पालन पोषण करने के साथ ही हमें नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। प्रकृति कई बार ऐसे नमूने दिखाती रहती है जो बेहद ही खतरनाक और नुकसानदायक होते हैं, जिन्हें अक्सर हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की हो सकती है, जिन्हें रोक पाना नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अर्थक्वेक। हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फेयर कहा जाता है। यह 50 किलोमीटर मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे तरल पदार्थ लावा होता है, जिस पर यह प्लेटें बेहद धीरे धीरे घूमती रहती हैं, और हर साल यह प्लेटें 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती है। और जब ये प्लेटें एक दूसरे के निकट आकर आपस में टकरा जाती है, तो इनके टकराने से ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे भूकंप आता है। इसलिए इन तरंगों को भूकंपीय तरंगें भी कहा जाता है। भूकंप के झटके कभी कभी इतने विनाशकारी होते हैं कि इसे बहुत से लोगों की जान चली जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मकान धराशायी हो जाते हैं, धरती फटने लगती है, जिससे सड़कों और उपजाऊ जमीन को नुकसान पहुँचता है। रेल मार्ग, बांध, पुल तथा बिजली के खंभे और तार टूटने लगते हैं। साथ ही सुनामी और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी आ सकती है। भूकंप आने के नुकसान है तो कुछ फायदे भी है, जैसे कभी कभी खनिज पदार्थ धरातल पर ऊपर आ जाते हैं, अनुपजाऊ भूमि के स्थान पर उपजाऊ भूमि प्रकट हो जाती है, तथा समुद्रों के निम्न तट ऊपर उठ जाते हैं, जिससे महाद्वीप का निर्माण होता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल पैमाना यूज किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। 4 से कम तीव्रता वाले भूकंप ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन 4 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। भूकंप आने के 2 कारण होते हैं, प्राकृतिक या मानव जनित। ज़्यादातर भूकंप जियोलॉजिकल डिफेक्ट्स के कारण आते हैं, जैसे भारी मात्रा में गैस का प्रवास, ज्वालामुखी, पृथ्वी के भीतर गहरी मीथेन अथवा नाभिकीय परीक्षण आदि डिफेक्ट्स के कारण भूकंप आते हैं। नंबर 2, वोल्केनो एरप्शन। ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। लावा और गैस धरती से बाहर आने के लिए एक छेद बनाता है, जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने वीवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का जन्म पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना, कमजोर भूभाग का होना, गैसों की उपस्थिति और भूकंप। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म होता है, जो अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को जलाकर राख कर देता है। ये लावा कभी कभार एक नदी का रूप भी ले लेता है, जो सड़कों पर और लोगों के घरों तक भी पहुँच जाता है, जिसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा खतरनाक गैसें और धुएं से संक्रामक रोग, सांस की बीमारी, एनिमल डेथ, जंगल की आग जैसी समस्याएं होती है। ज्वालामुखी विस्फोट धरती पर होने के साथ साथ समुद्रों में भी होते हैं, जिससे कई बार हमें समुद्रों में आग देखने को मिलती है, और इससे समुद्री जीवों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। नंबर 3, सुनामी, यानी कि समुद्री तूफान, जिसे बेहद ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा माना जाता है। सुनामी आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे समुद्र में या आसपास आने वाला भूकंप, समुद्र के किनारे या समुद्र के तल पर जमीन धंसने, ज्वालामुखी का फटना, समुद्र में चक्रवाती तूफान, या फिर अंतरिक्ष से किसी बड़ी उल्का के समुद्र में गिरने की वजह से भी सुनामी आने की आशंका बढ़ जाती है। सुनामी आने पर समुद्री लहरों की रफ्तार 420 किलोमीटर पर आवर से लेकर 800 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, और ये 30 से 50 मीटर तक ऊंची उड़ जाती है, जो समुद्री किनारों पर तीव्रता से बाढ़ ला सकती है, जिसके कारण संपत्ति का विनाशकारी नुकसान और जनहानि हो सकती है। दुनिया की सबसे विनाशकारी और घातक सुनामी 2004 इंडियन ओशियन अर्थक्वेक एंड सुनामी को माना जाता है, जिसमें 230,000 लोगों की जानी गई थी। इसमें विशालकाय लहरों ने भारत समेत हिंद महासागर किनारे के 14 देशों में
कई किलोमीटर दूर तक तबाही फैला दी थी। नंबर 4, टोर्नेडो। बाउंडर तब बनते हैं जब अलग अलग तापमान और आर्द्रता के दो द्रव्यमासेज आपस में मिलते हैं। जैसे जैसे गर्म जल वाष्प में बदलता है और ऊपर वातावरण में पहुंचता है, यह ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और तूफान के रूप में सामने आता है। यानी कि हवा का तेज झोंका जो चक्कर लगाता हुआ शंकु के आकार का दिखाई देता है। बवंडर छोटे से हवा के झोंके से शुरू होते हैं और धीरे धीरे यह खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं। बवंडर में हवा की रफ्तार 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को उड़ा देते हैं। बवंडर इतने पावरफुल होते हैं कि ये एक ही बार में किसी शहर को नष्ट कर सकते हैं। नंबर 5, वाइल्ड फायर। जब किसी वन के एक भाग में या पूरे वन में ही आग लग जाती है तो उस वन के सभी पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि जलने लगते हैं। दावानल के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वनस्पतियों और मिट्टी का सूख जाना, आर्द्रता की कमी, आकाशीय बिजली का गिरना, प्राकृतिक रूप से वन में उत्पन्न घर्षण से आग का लग जाना, या फिर यह मानव निर्मित भी हो सकती है, जैसे कोई लापरवाही से सूखे वन में सुलगती हुई सिगरेट या माचिस की तीली फेंक देना और एक बार चिंगारी भड़कने के बाद आग हवा के प्रभाव में तेजी से फैल जाती है। दावानल का विशाल रूप परिवहन, संचार, बिजली और गैस सेवाओं तथा पानी की आपूर्ति को बाधित कर सकती है। वाइल्ड फायर के कारण वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है तथा इसे भारी मात्रा में संपत्ति, फसलें, संसाधनों, जानवरों तथा लोगों को हानि पहुंचती है। नंबर 6, साइक्लोन। जब सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी में मौजूद वायु गर्म हो जाती है और यह गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसे वहाँ पर निम्न दाब का एक क्षेत्र बन जाता है, जिसके बाद आसपास की उच्च दाब वाली वायु निम्न दाब के संपर्क में आने का प्रयास करती है तथा तीव्र गति से उसकी ओर जाने लगती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरिओलिस बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चक्कर लगाने वाली वायु वृत्त का जैसा आकार ले लेती है। इस प्रक्रिया से एक बड़े से चक्रवात का निर्माण हो जाता है, जिसके बीच में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब होता है। इस दौरान हवाएं तेज गति से प्रवाहित होने लगती है, जिसके प्रभाव से घने बादलों का निर्माण होने लगता है और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। साइक्लोन बेहद ही विनाशकारी होते हैं और ये करीब एक सप्ताह या उससे भी ज़्यादा समय तक चलते हैं। साइक्लोन से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, कच्चे मकान उजड़ जाते हैं और इसे बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। साइक्लोन आने से जनहानि होने का खतरा हमेशा बना रहता है। चक्रवात के दौरान तेज गति से हवाओं का चलना और मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी समस्याओं का खतरा हमेशा बना रहता है। साइक्लोन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे टाइफून और हरिकेन्स। नंबर 7, लैंडस्लाइड्स। यह एक जियोलॉजिकल घटना है और ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का भाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा, बाढ़ तथा भूकंप के आने से भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा मानव गतिविधियाँ जैसे पेड़ों और वनस्पति को हटाने, सड़कों के किनारे खड़ी चट्टान को काटने या अंडरग्राउंड पानी के पाइपों में लीकेज से भी भूस्खलन हो सकता है। नंबर 8, एवेलांच। एवेलांच होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहाड़ों के ऊपरी हिस्से पर बर्फ़ की मात्रा इतनी बढ़ गई हो कि वह खिसकने की सीमा पर हो और इस स्थिति में उस पर स्नोफॉल होने से वह नीचे की तरफ बहने लगती है और शुरू होने के बाद नीचे जाता हुआ बर्फ गति पकड़ने लगता है। इसमें बर्फ़ की और भी मात्रा शामिल होने लगती है और धीरे धीरे यह भयानक रूप ले लेता है। पहाड़ की ढलान जितनी ज़्यादा होगी, एवेलांच उतना ही शक्तिशाली और तबाही करने वाला होगा, क्योंकि ढलान वाली जगह पर यह काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता है और तब तक नहीं रुकता जब तक समतल मैदान नहीं मिल जाए। एक एवेलांच लाखों टन बर्फ़ को समेटते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी स्पीड 300 से 350 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। तेज चलती हवाएं, ग्रेविटी, अत्यधिक तापमान, अर्थक्वेक, ग्लोबल वार्मिंग तथा मशीनों और विस्फोटकों द्वारा निर्मित कंपन, इन सब कारणों के कारण एवेलांच होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। एवेलांच से सैकड़ों लोगों की जानी जाती है, जिनमें घूमने आने वाले टूरिस्ट और इन इलाकों में तैनात देश के सैनिक शामिल होते हैं। नंबर 9, फ्लड। वर्षा ऋतु में अत्यधिक बारिश होने पर नदियों और झीलों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे यह पानी
आसपास के सभी रिहायशी स्थानों पर भर जाता है और पूरा स्थान जलमग्न हो जाता है। लोगों के घरों में पानी आ जाता है, जिससे लोगों को उच्च स्थानों पर रहना पड़ता है। इससे उन्हें खाने पीने और रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा दिनों तक पानी घरों में रुकने के कारण मकान गिरने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बरसात के टाइम बांध का टूट जाना तथा गर्मी के चलते ग्लेशियरों के पिघलने से भी बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आने से बिल्डिंग्स और ब्रिजेस का टूट जाना, रेलमार्ग और सड़कों का ब्लॉक्ड हो जाना, फसलों को नुकसान पहुंचना, साथ ही टाइफाइड, जियार्डिया, मलेरिया और हैजा जैसी कई अन्य बीमारियां फैलने लगती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बाढ़ आने से इंसानों, जानवरों और भारी मात्रा में संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। नंबर 10, थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म ज़्यादातर गर्मियों और बारिश के मौसम में आते हैं। इस दौरान चलने वाली हवाएँ तेज तूफान में परिवर्तित हो जाती है। बादलों के आपस में टकराने से लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि आसमानी बिजली गिरती है, जो बेहद खतरनाक होती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। साथ ही बादल के फटने जैसी समस्याएं भी बनी रहती है, जिससे जानमाल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आंधी तूफान, तेज़ हवाएं, ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से यातायात और अन्य दैनिक क्रियाओं के अलावा कच्चे मकानों और फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा बाढ़ आने और रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में रेतीले तूफान आने जैसी कंडीशंस बेहद डेंजरस होती है। नंबर 11, स्नो स्टॉर्म। सर्दियों में बर्फबारी होना एक नेचुरल फिनोमेना है। कभी कभार ये तूफान का रूप ले लेती है, जिसमें तेज ठंडी हवाएं और भारी मात्रा में बर्फबारी होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे गाड़ी चलाने में दिक्कतें आती है, बिजली के खंभे, पेड़ पौधे आदि उखड़ने का डर रहता है। बर्फीला तूफान अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को बर्फ़ में जमा देता है। इसकी चपेट में आने से व्यक्ति सुन्न हो सकता है या उसकी त्वचा मोम की तरह रूखी और पीली भी पड़ सकती है, यानी इससे हाइपोथर्मिया होने की संभावना रहती है। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है, जब स्नो स्टॉर्म ने घरों, गाड़ियों, पेड़ पौधों, सड़कों और नदी तालाबों को पूरी तरह बर्फ में जमा दिया हो और यह बर्फ़ इतना मजबूत होता है कि हथौड़ी से मारने पर भी नहीं टूटता है, जिससे लोग अपने घरों में ही फंसे रहते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये थी वो प्राकृतिक आपदाएं जो काफ़ी नुकसानदायक होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं का पहले से पता नहीं किया जा सकता कि ये कब और कहाँ होने वाली है, क्योंकि प्रकृति को समझना किसी के बस में नहीं है। सो फ्रेंड्स, इन नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना तथा इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।